माँ बाप के जो सपने हैं शुरू से बच्चों की एजुकेशन के लिए ही हैं। क्या वो एजुकेशन आज कहीं काम आ रही है? किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, यदि वो एजुकेशन काम आती तो डेफिनेटली आपका बच्चा बेरोजगार ना होता। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से आज तक वही पुरानी एजुकेशन ही चल रही है। बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो बहुत ऊपरले लेवल पर डिग्री है उनके पास, लेकिन जब वो मतलब मार्केट में जाते हैं, जब ये अपने दुनिया में विचरना शुरू करते हैं तो वो आदमी फेल हो जाते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को लेके बना रहा हूँ, उसका कारण ये है कि मेरे को पढ़ने की आदत है, अच्छी बातें सुनने की आदत है, अच्छे वीडियोस देखता हूँ मैं, उसमें कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ या मेरे ओवरऑल जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करता। मैं ये इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि एज ए पेरेंट्स यदि आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध नहीं रखते, अपनी जिद या अपना गुस्सा बच्चों के ऊपर निकाल कर उनसे उल्ट चलने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली ये समझ लेना आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। बच्चे आपके हैं, आपने जिस तरह व्यवहार करना है कर सकते हो, लेकिन यदि हम इस बात को देखें कि माँ बाप के जो सपने हैं शुरू से बच्चों की एजुकेशन के लिए ही हैं, क्या वो एजुकेशन आज कहीं काम आ रही है? किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, यदि वो एजुकेशन काम आती तो डेफिनेटली आपका बच्चा बेरोजगार ना होता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन में डिग्रियाँ लेने से अच्छा है किसी स्किल को एक्वायर किया जाए, किसी कोई ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो ली जाए। 1947 से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक वही पुरानी एजुकेशन ही चल रही है जो हमें कहीं ना कहीं मतलब हमारा दिमाग बंद तो करती है, खोलती नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो बहुत ऊपरले लेवल पर डिग्री है उनके पास, लेकिन जब वो मतलब मार्केट में जाते हैं, जब ये अपने दुनिया में विचरना शुरू करते हैं तो वो आदमी फेल हो जाते हैं। जितना स्कूल में ब्रिलियंट बच्चा होगा उतना ही दुनियादारी में पीछे चला जाता है। कारण क्या है? कारण क्या वो यही है कि हमें वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, रट्टा लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ये पढ़ लो, ये याद कर लो, ये कर लो, वो ज़िंदगी में हमें काम ही नहीं आता कहीं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की पहली किताब थी जो इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डू नॉट गो टू स्कूल, मतलब उसने तो सीधा सीधा यही कह दिया है कि यदि आप खुशहाल होना चाहते हो तो आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोप रहे हैं, बैग का वजन इतना है, बच्चे का वजन उतना नहीं है जितना किताबों का वजन उसके ऊपर लाद के उसको गधा बनाने के लिए भेज देते हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो जो एजुकेशन है कहीं काम भी नहीं आ रही। जो स्टॉक पर अभी किसी उत्सव नाम के लड़के का जो गोपालगंज बिहार से है का इंटरव्यू मैंने सुना, जो कहता जी मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई नहीं की, मैट्रिक के बाद उसके पास एकेडमिक कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो जो एक प्लेस है पेस्टो करके नाम की है तो वहाँ पर वो टीचर लगा हुआ है। मतलब एक मैट्रिकुलेट बंदा दूसरे बंदों को, ऐसे बंदों को पढ़ा रहा है जो उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये कारण क्या है, वो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो बच्चे ने अपने माँ बाप से उल्ट होके वो ऐसी एजुकेशन ली है जिसके लिए माँ बाप तैयार ही नहीं थे। माँ बाप उसको कहते थे तू ग्रेजुएशन कर ले, प्लस वन कर, टू कर, ग्रेजुएशन कर, वो कहता मेरे किसी कहीं काम ही नहीं आनी तो मैं क्यों करूँ, उसने नहीं की। मैंने भी अपने बच्चों को आज से 5 साल पहले ये कहा था कि जो पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो तुम्हारी मर्जी है, सिर्फ मेरे को अपना कॉन्फिडेंस डिवेल्प करके दिखा दो। यदि आप में कॉन्फिडेंस डिवेल्प हो गया तो मेरा ख्याल है पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत उनको है जिन्होंने जॉब के लिए भागना है,
यदि आप कोई स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो आपको पीछे जॉब के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि जो बंदा आपको पहचान लेगा, जो कंपनी आपको पहचान लेगी कि आप में ये खूबी है, ये खासियत है, तो वो कंपनी आपको अपने आप ही ले जाएगी। जैसे 1960-62 में हम सुनते थे कि जो मैट्रिक की हुई थी तो उसके घर से आके उसको उठा के ले जाते थे, चल तेरे को सरकारी नौकरी नहीं। आज समय बदल गया है, आज वो चीज़ नहीं है कि हम मतलब मैट्रिक कर लें, प्लस वन कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, हमें नौकरी वाले आके ले जाएंगे, क्योंकि उसमें कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा हो गया और आबादी बड़ी, आबादी बढ़ गई है। आबादी बढ़ने से जो हमारे रोजगार के संस्थान हैं वो नहीं बढ़े। यदि रोजगार हमारा बढ़ जाता तो फिर ठीक है, वो पोजीशन रहती, लेकिन सरकार के बस में नहीं है कि इतनी नौकरियां पैदा कर दे। जब सरकार के बस में नहीं है, नौकरियां पैदा नहीं की जा सकती, तो आपको मिलेंगी कैसे? हमें अपना जो माइंड सेट है, जो मेंटल ब्लॉकेज है, वो तोड़ना पड़ेगा। एज ए पेरेंट्स मैं कहता हूँ, मेरे बच्चे हैं जो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्यों? जनरेशन गैप है। आप भी यदि पेरेंट्स हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये समझ लेना कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। कारण ये है कि जो आपने घिस घिस के जीरो लेवल से शुरू करके यहाँ आए हो, बच्चों को यहाँ माहौल मिल गया, और बच्चों का लेवल यहाँ आना ही आना है। जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी, जिन चीज़ों की हमारे पास कमी थी, वो आज हमारे बच्चों के पास कमी नहीं है, इसलिए उनका जो नॉलेज लेने का लेवल है या संसाधन है उसके वो ज़्यादा आ गए हैं हमारे पास। सो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि अपना ज़बरदस्त फैसला, कोई भी जिद वाला फैसला बच्चों के ऊपर नहीं थोपना। यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप बच्चों की काउंसलिंग करवा सकते हो, यदि आपको ज़रूरत पड़े आप खुद की भी काउंसलिंग करवा सकते हो कि हम ये सोच रहे हैं और हमारा बच्चा ये सोच रहा है और कौन सा ठीक है। यदि आप किसी काउंसलर के पास चले जाओगे तो वो डेफिनेटली आपको बता देगा। इसमें ईगो मत समझना कि मैं माँ बाप हूँ, मेरी उम्र 55 साल है, मेरी 60 साल है, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मैं दुनिया देखी है, मेरे बाल वैसे सफ़ेद नहीं हुए, ये बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो ज़रूरत है। अब मैं 60 साल का हूँ, मैं पता नहीं कितनी किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैं फंस जाता हूँ, तो मैं भी काउंसलिंग करवाता हूँ अपनी, किसी जो मेरे से सीनियर बंदे हैं, मेरे से बेटर है नॉलेज में, उनके पास जाता हूँ। तो इसमें कोई वो नहीं कि आप नीचे लगे या आपको ऐसे लगे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ गया, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा आपसे आपका कहना नहीं मान रहा, तो उसको बिठा के उससे फ्रेंडली बात करो। फिर भी कोई बात ना माने, आप काउंसलिंग करवाओ बच्चे की, अपनी काउंसलिंग करवाओ, ताकि हम बेटर रिजल्ट ले सकें। जो पुराने एजुकेशन है वो कहीं काम नहीं आ रही, उसके बिना आज जो स्किल वाले बंदे हैं वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। पहले कोई ज़माना होता था सरकारी नौकरी एक बहुत ज़बरदस्त हमारी मतलब अट्रैक्शन का सेंटर होती थी, लेकिन वक्त बदल गया है। यदि हम वक्त के साथ ना बदले तो डेफिनेटली हम पीछे रह जाएंगे। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि कहीं हमारी जिद, माँ बाप की जिद, बच्चों को गरीब रखने में सहायता तो नहीं हो रही कहीं, कि बच्चा तो मतलब अपने स्किल डेवलप करके अमीर बनना चाहता है और हम बच्चों को ज़बरदस्ती वही तकियानुसी सोच वाली पढ़ाई जो है, जो पीछे वाली एजुकेशन है, वही देना चाहते हैं। वो एजुकेशन से भला नहीं होने वाला। आप समझदार हो, आप सारी चीज़ें हर एंगल से देखो, विचारो, काउंसलिंग करो, बच्चों की करवाओ, अपनी करवाओ, जो भी हो सकता है, हमें बेटर रिजल्ट चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हम उनका फ्यूचर है, जो बहुत ब्राइट फ्यूचर हर एक बंदे को ज़रूरत है, उस बच्चे की ब्राइट फ्यूचर की ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, मेरे को भी ज़रूरत है, लेकिन जहाँ भी हम कर सकें उसमें हमें बेटर ही करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा इसको लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, इसके ऊपर चर्चा कर लेना, कोई आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इसको सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा सकते हो। दोस्तों आओ मिलकर सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। हमने नेशन के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। देश हमारा आगे तभी जाएगा जब हम अपने आप की अपनी सोच को नई दिशा दे देंगे। जिस बंदे की दिशा बदल जाती है, सोचने की दिशा बदल जाती है, उसकी दशा डेफिनेटली बदल जाती है। थैंक यू वेरी मच,
बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें।